जनपद आजमगढ़, विधानसभा लालगंज, प्रत्याशी का आगाज भारतीय जनता पार्टी। ये वही प्रत्याशी जो 2007 में आजमगढ़ सदर से अपनी भाग्य आजमाइश कर चुकी हैं। ये वही प्रत्याशी जो 2009 में भी चुनाव लड़ती हैं लेकिन सेकंड पोजीशन पर रहती हैं। ये वही प्रत्याशी की जो 2014 की लहर में लालगंज की सांसद बनती हैं और 19 में महागठबंधन को करारी टक्कर देती हैं, कड़ी टक्कर देती हैं। फिर से विधानसभा चुनाव में लालगंज में इन्हें मौका दिया गया है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि हमने टिकट मांगा ही नहीं था, हमें पार्टी की तरफ से ये गिफ्ट समझ के दिया गया है कि हम उसके लायक समझे गए। ऐसे में नीलम सोनकर जी आज हमारे इस चैनल को समय देने के लिए मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि ये अपने साक्षात्कार में दर्शकों को आप इस मौके के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैडम? सर्वप्रथम मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को हृदय से आभार और धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने दोबारा हमें लालगंज विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उतारा। ये विधानसभा चुनाव का हमको लगता है ये पहला मौका होगा विधानसभा चुनाव में। हाँ, मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। तो अब तो लोगों के बीच जाना ही है, जाती ही रहती है मतलब पहले से, क्योंकि हमारी लोकसभा है और लोकसभा के अंतर्गत ही लालगंज विधानसभा आती है, तो मेरा लगातार इनमें चलता ही रहता है, लोगों से मिलते ही रहती हूँ, सुख दुख में जाती ही रहती हूँ। जो पिछली बार टक्कर हुई थी लालगंज की, क्या लगता है कि उसके आगे बढ़ेगी पार्टी या और मेहनत करने की जरूरत है? मुझे तो लगता है कि जो हर बार से ही, चाहे 14 हो, 17 हो और ये 22 है, 19 है और 22 है, हर बार पार्टी का ग्राफ बढ़ता ही गया है। पार्टी ने अच्छा से अच्छा कार्य किया, क्योंकि उसका मैं बहुत एक कहना चाहूँगी कि जो पार्टी का जो विचार है कि हम किसी जात बिरादरी में ना बढ़ करके सबके साथ सबका विकास को लेके चलेंगे, तो मैं समझती हूँ कि उसी की वजह से आज हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। हर जगह पार्टी की लहर होते होते जो है आजमगढ़ में थम क्यों जाती है मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरा उठाकर देखेंगे, जब से मैं चुनाव लड़ रही हूँ 2009 से, और हर बार से, चाहे मैं 14 में भी लड़ी हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उसमें, हर विधानसभा में मैं जीत की थी। अगर आप 2019 का भी देखेंगे तो उसमें भी जो वोटों की जो आप देखेंगे मतगणना में देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा वोट मिला हुआ है। ये अलग बात है कि विधानसभा में अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमज़ोर है। मेरा मानना है कि बस ये है कि कैंडिडेट है, अच्छे से सभी लोग लड़ेंगे, करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कम होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, एजेंडे हैं, उससे लोग जो जनादेश देते हैं वो सहमत हैं या असहमत हैं ये तो पार्टी जाने, लेकिन आपके भी तो कुछ मुद्दे होंगे कि जिसको ज़मीनी हकीकत पर आप पड़ताल पे उतरती होंगी और उसे गिनाती होंगी कि ये हमारे कार्यकाल में किया गया था जब आप सांसद थी और हमें अगर आप मौका देंगे तो विधायक बन के भी हम ये काम करेंगे, क्या हो सकते हैं वो? देखिए, आपके सामने पहले दो तीन चीज़ें मैं बता देती हूँ कि जैसे ही मैं सांसद बनी थी 2014 में, तो सबसे पहले हमने मांगा था रेलवे लाइन का, जो मेरा बहुत ही सपना है कि मैं यहाँ पे लालगंज में रेलवे लाइन बिछे, यहाँ पे कार्य हो। तो उसके लिए जब मैं जैसे ही सांसद बनी और वैसे ही मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने वो बात रखी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको ज़रूर करूँगा और इसको करने का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए उसके प्रोसीजर, सर्वे, काफ़ी चीज़ें, प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा कि मैं बनारस से लेकर बूढ़नपुर तक का 4 लेन मैं आपको स्वीकृत करता हूँ। उन्होंने पहली ही बार में उन्होंने स्वीकृत किया। आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक निर्माण हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक तो उन्होंने पहला वो किया जो हमारे कार्यकाल में मांगा गया था, माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा उसका शिलान्यास हुआ था जी। और एक आपने देखा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास हुआ था। आज आप सभी लोग जो भी लखनऊ जाते होंगे देख रहे होंगे, काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी रोड बनी। अखिलेश यादव उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि ये इसका शिलान्यास कर रहे हैं ये लोग। शिलान्यास का शिलान्यास नहीं होता है, ऐसा अखिलेश जी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने इस चीज़ को प्रपोजल बनाया था और
अब मैं प्रपोजल बना दिया या कोई भी उस विषय पे कार्य किया तो वो आगे चल के अगर इसका निर्माण नहीं हो तो उनका इससे नहीं होता कि मतलब किसी काम को छू दिया तो यानी कि मैंने कर दिया। कहा होगा, विचार बनाया होगा, अपनी कमेटियों के साथ किया होगा, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन मूल उसको मूर्त पूर्ण रूप से कार्य करने का काम तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही तो हुआ। कहने से, प्लान बनाने से नहीं होता है, कार्य पूरा करने से होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे आजमगढ़ में मंदुरी के पास में जब आए थे, उन्होंने किया था तो क्या वो रोड बना हुआ था? आप सभी लोग उसके प्रमाण है कि कहीं रोड कहीं नहीं बना था, ना ही कुछ उस पर कार्य हुआ था। तो जब आने के पास शिलान्यास होने के बाद कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से ये पूरा पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। कहने से नहीं होता कि मैंने प्लान के लिए बात की थी, मैंने कहा था, ये कहने से नहीं होता है। लालगंज विधानसभा पे एक अंतिम प्रश्न के रूप में पूछना चाहूँगा कि लालगंज विधानसभा में सारे प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ तय हो चुके हैं, सारी पार्टियों के, चुनौती किससे मानती है, सपा या बसपा? जब से मैं राजनीति में आई हूँ मैं किसी पार्टी को अपनी चुनौती नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं स्वयं जनता के बीच में जाऊँ, अपना कार्य करूँ, जिस पार्टी के बैनर के तले कार्य करती हूँ उसका जो विचार है उसके विचारों से लोगों को अवगत कराऊँ, हमारी कार्य योजना क्या है उसके बारे में बताऊँ और उस पर करती जाऊँ। बस मेरा यही है, चाहे हमारे सामने बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, मुझे इससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी विचारधाराओं के साथ क्षेत्र में जाते हैं, हम अपनी विचारधाराओं के साथ जाते हैं, अपने कार्यों के साथ जाते हैं, तो इसमें कोई कंपटीशन की या किसी को मानने की कोई, मैं समझती नहीं हूँ, कोई जरूरत। मैडम एक सवाल और कर लें अगर इजाजत हो, समय इजाजत दे रहा हो तो। हाँ बताइए। अभी एक जैसे सोशल मीडिया पर एक बहुत वाहियात किस्म की बातें चल रही हैं कि यूपी में ये बात, यूपी में उबा, यूपी में काबा, ए बाबा काबा, ये क्या मतलब, क्या संदेश देना चाह रही हैं? ये जनता है, हम लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपने अपने तरीके, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई ट्विटर के माध्यम से अपनी अपनी बातों को रखते हैं। आप किसको किसको रोक लगाएंगे, क्योंकि उसको कोई ये तो कहा नहीं जाता है, पार्टी के किसी भी को भी नहीं कहा जाता कि आप कहिए, वो अपने स्वतंत्र है अपने विचारों को कहने के लिए, चाहे उनकी तरफ से चाहे इधर के जो भी विचारधाराओं से जुड़ के अपनी अपनी बात को रखते हैं वो स्वतंत्र है, वो रख सकते हैं। इसमें मतलब उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो कह रहे हैं सुन लिया देख लिया, जिसकी जो मर्जी हो गया, क्योंकि ये तो स्वतंत्र देश है, सब लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, उसमें मैं किसी को क्या बोलूं। मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, मैं तो अपने क्षेत्र में ही ज़्यादा कार्य करने में ही मेरा ज़्यादा समय चला जाता है। मैं कह दूं तो बहुत ज़्यादा फेसबुक, बहुत ज़्यादा ये सब में नहीं होती, देखती ज़रूर हूँ, चलाती भी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत समय उसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी होती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान क्षेत्र के कार्यों में लगाती हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद नीलम सोनकर जी, जिन्होंने इस बार लालगंज विधानसभा सीट पर अपनी भाग्य आजमाइश के लिए ताल ठोकी है और वह कुछ ही पलों में लोगों के बीच जन जागृति के लिए या जनसंपर्क के लिए जाने वाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हम आगे भी लगातार इन पर नज़र बनाए रहेंगे और जो भी इनसे मिली, इनसे जुड़ी कड़ियाँ होंगी, इनकी बातें होंगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।